मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टूडे वी विल स्टडी ऑफ योर बुक बेस्ट सोसाइटी, चैप्टर नंबर 7, द टेम्परेट ग्रासलैंड. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस. स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ बीन स्टडीड टिल द टॉपिक ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द लास्ट क्लास. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन लाइफ. अब जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड में ह्यूमन लाइफ कैसी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट इन दिस रीजन. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्टिवेशन इज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली इन मैकेनाइज्ड फैशन. हियर मॉडर्न फार्म्स कॉल्ड रेंचेस आर रन बाय फार्मर्स. देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है, और इस रीजन को हम कहते हैं ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे अलग अलग टाइप की कल्टिवेशन होती है और यहाँ पे मैकेनाइज फैशन भी किया जाता है, और इसमें फार्मर्स जो होते हैं वो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, यानी मॉडर्न जनरेशन की फार्मिंग करते हैं. नई नई मशीन्स ऑर्गेनाइज करके नए नए तरीके से फार्मिंग की जाती है. ओके, नाउ टर्न ऑन टू द नेक्स्ट पेज. द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड्स इज एक्सीलेंट फॉर एग्रीकल्चर. इन फैक्ट द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका आर सो फर्टाइल दैट दिस एरिया इज नॉन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, अब यहाँ की जो ग्रासलैंड्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत बेस्ट होती हैं. इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, और इस एरिया को हम बोलते हैं व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, मैनी फूड क्रॉप्स इंक्लूडिंग कॉर्न, सोयाबीन, वीट एंड अदर ग्रेन्स आर ग्रोन हियर. अब जितने भी जैसे क्रॉप्स है, कॉर्न है, कॉर्न यानी मक्का, भुट्टा जो होता है मक्का, उसे सोया कॉर्न कहते हैं, सोयाबीन, वीट, ये इन सभी की क्रॉप यहाँ की जाती है. ओके, वेरियस काइंड्स ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन द प्रेरीज. अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, रेजिंग एनिमल्स फॉर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इज पॉपुलर हियर एज ऑल्सो इन द पैम्पस प्रेरीज एंड डाउन्स. अब देखिए, यहाँ पे बहुत तरीके की, बहुत सारे काइंड्स की फार्मिंग की जाती है. इसमें आप फूड क्रॉप्स कह सकते हैं और लाइफ स्टॉक फार्मिंग कह सकते हैं, यानी फार्मिंग करना जिसमें आप एनिमल्स को बड़ा करें, उनका मीट, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है. ये यहाँ इन चीज़ों के लिए बहुत ही पॉपुलर है, और जो पैम्पस और प्रेरीज डाउन्स हैं वो ज़्यादातर ये यहाँ पर काम करते हैं. न्यूजीलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द टाउन. इन द पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना कैटल इज रेज्ड इन फार्म्स कॉल्ड एसेंटियास. देखिए, अब न्यूजीलैंड जो है वो डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना में जो है कैटल जब रेज किया जाता है, यानी जितने भी गायें, भैंस, बकरी, भेड़, उनको बढ़ाते हैं, तो उनको बोलते हैं एसेंटियास. ओके, अर्जेंटीनियन काउ बॉयज कॉल्ड गोचूज आर क्वाइट फेमस फॉर देयर हॉर्स राइडिंग स्किल्स. अर्जेंटीना इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स. अब देखिए, अर्जेंटीना के जो काओ बॉयज हैं वो, उनको हम बोलते हैं गोचूज, और वो अपनी हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत फेमस है, हॉर्स राइडिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. अर्जेंटीना जो है वो एक लीडिंग एक्सपोर्टर है मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स का. जितने भी मीट प्रोडक्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लीड करता है एक्सपोर्ट करने के लिए. ओके, कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड शीप फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया. वीट फार्मिंग एंड शीप रैंचिंग इज कैरिड आउट ऑन द सेम फार्म. द शीप आर फेड ऑन द स्टॉक्स ऑफ वीट एंड इन टर्न दे प्रोवाइड द फर्टिलाइजर फॉर द वीट फील्ड्स. अब देखिए, यहाँ पे जो कल्टिवेशन होता है वीट का, वो कैसे होता है, शीप की, उस वहाँ पे शीप की फार्मिंग की जाती है ऑस्ट्रेलिया में मेनली कल्टिवेशन ऑफ वीट एंड शीप की फार्मिंग की प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है. और जो शीप जब बड़ा हो जाता है, जैसे शीप होती है भेड़ें, है ना, भेड़ होती हैं, भेड़ जब अपना वेस्ट मटेरियल निकालती हैं तो उनसे उनकी फर्टिलाइज़र बनते हैं, जिससे वहाँ पे वीट जो है वो बनाया जाता है, वीट को उगाया जाता है. इन सम ग्रासलैंड्स देयर आर नोमैडिक ट्राइब्स हु कैरी ऑन देयर
ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स। अब कुछ ऐसे ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे वो अपना पुराना ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो नए मॉडर्न ज़माने का काम नहीं करते, वो जैसी परंपरा उनकी चलती आती है वैसे ही वो करते हैं। द किर्गिज ऑफ द सेंट्रल एशियन स्टेप्स वॉन्डर विद देयर हियर्ड्स ऑफ शीप गोट्स कैटल एंड हॉर्सेस। अब देखिए जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेप्स हैं वो क्या करते हैं, शीप गोट्स कैटल हॉर्सेस का पालन करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। ये देखिए ये किर्गिज पीपल हैं, ठीक है। The Hottentots of South American field lead a nomadic lifestyle rearing cattle, sheep and goats. अब जितने भी Hottentots होते हैं, ठीक है, Hottentots वहाँ के लोगों को कहते हैं साउथ अफ्रीकन के, तो वहाँ पे क्या होता है, nomadic lifestyle अपनाते हैं कैटल sheep और goats को बड़ा करने के लिए। ओके, डिड यू नो अमेरिकन इंडियंस वर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका बट हैव नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी। अब जितने भी अमेरिकन इंडियंस हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब उस अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका को बोला गया है अमेरिकन सोसाइटी। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वट यू हैव टू डू गाइज, यू हैव टू डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी इन योर बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर डी डू इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ पेन। स्टूडेंट्स डू नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।